नमस्कार, मैं मोहम्मद फैसल और आप देख रहे हैं पी3 न्यूज़ झारखंड। आज इस तरह किसी के जाने के बाद लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि सब कुछ था फिर भी चला गया। क्या कभी किसी ने पास जाकर यह जानने की कोशिश की कि क्या सब कुछ पाकर भी वो खुश था या नहीं? क्या सिर्फ दौलत शोहरत ही सब कुछ है? इतना आसान अगर सच में होता तो इस तरह के लोग क्यों अपनी जान से हाथ धो लेते? डिप्रेस्ड लोग कुछ भी नहीं, बस अपने प्यार या साथ चाहते हैं। हाँ, यह सच है कि सब कुछ पाकर जिंदगी से हार जाना गलत है, लेकिन क्या कभी उस कायरता के पीछे की वजह को किसी ने जानने की कोशिश की? हाँ, डिप्रेस्ड लोग हमेशा अपनी तरफ से सबको खुश रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अकेलापन का दर्द और किसी का साथ होने का दर्द वो आम इंसानों से ज्यादा समझते हैं। इसलिए आप भ्रमित हो जाते हैं। आज सब कह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ जरूरी है और इस पर बात होनी चाहिए। देश में कहीं भी रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए, ना जाने कितने ही लोग हर रोज मेंटल हेल्थ का शिकार होते हैं, मगर क्या कभी हम में से किसी ने भी ऐसे किसी इंसान के पास जाकर उससे पूछने की जरूरत की? नहीं, या फिर किसी हक से आज हम उस मानसिक तनाव को प्रभावित कर रहे हैं? चेहरे पर एक मुस्कान लेकर घुटन में जीने से अच्छा इंसान को मर जाना लगता है। हम सब इसे उसकी गलती तो कह देते हैं, लेकिन गलती की गुंजाइश रखी किसने, इसी बात को कोई नहीं समझता। मर जाना गलत है, लेकिन जीते जी झूठा जीना उससे भी ज्यादा गलत है, क्योंकि यह झूठ मूठ की हंसी लेकर जीना आपको अंदर से खोखला और आक्रामक बना देता है। किसी के चेहरे की मुस्कान नहीं कहती वो खुश है, उसके मन में झांकने के लिए आपको उसे अपनेपन का एहसास दिलाना पड़ता है। अफसोस, हम वह एहसास उस व्यक्ति के मरने के बाद सोशल मीडिया पर दिखाते हैं कि काश उसने मुझसे कहा होता, मरने से पहले वो भी सोच रहा होगा कि काश आपने सुना होता। बहुत लोग कहते हैं कि अकेलेपन से बाहर निकलने के लिए हमें खुद संवाद बढ़ाना चाहिए, लेकिन जब मैंने संवाद बढ़ाया तो क्या आपने सुना? नहीं ना, मैंने कोशिश की मगर आपने मुझे पागल कहकर नजरअंदाज किया। यह सच है कि अकेलेपन से निपटने के लिए कोशिश खुद करनी चाहिए, लेकिन भी सच यह है कि सब कुछ होकर भी ऐसी खुशी किसी की काम नहीं होती जिसे बांटने वाला कोई ना हो। रविवार को फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद से लगातार सोशल मीडिया पर ऐसे ही कुछ लिखा जा रहा है। आत्महत्या करने वाला आदमी हारा हुआ होता है, डरपोक होता है, कमजोर होता है। कितना आसान होता ना लिख देना कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था। तुम कायर हो, कोई भी जब आत्महत्या करता है तो जरूर वो इससे पहले बहुत कुछ सोचता होगा। वो अपनी जिंदगी को खुद खत्म कर रहा होता है, खुद को उस मौत की तरफ लेकर जा रहा होता है। अंततः जिससे लोग डरते हैं उसे पता होगा कि उसने जाने के बाद लोग उसे कायर समझेंगे, कुछ लोग सहानुभूति देंगे, कुछ दुखी होंगे, लेकिन वह वापस नहीं आ पाएगा। कुल मिलाकर वह इतना नाउम्मीद हो चुका होगा कि उसका एक ही हल मिलता है, यहाँ से चले जाना, यानी मौत की ओर बढ़ जाना। इन सब के बीच जो सबसे जरूरी चीज होती है नाउम्मीदी, उस बात पर बात ही नहीं होती। बात इसलिए नहीं होती क्योंकि फिर सवाल समाज की ओर चला जाता है, वहां चल रहे हजारों ऐसे कारणों की ओर चला जाता है जिससे हो जाते हैं बात करना बंद कर देते हैं। कोई उसे सुनना नहीं चाहता जब वो बोलना चाहते हैं, उन्हें वो स्पेस ही नहीं मिल पाता जहां वे अपनी बात उस उम्मीद के साथ रख पाए कि उन्हें कोई समझेगा। फिर हजारों ख्याल उनके दिमाग में चलने लगते हैं, अपने में से अपना आदमी भी उस वक्त उन्हें या तो इग्नोर कर देता है या सब ठीक हो जाएगा, या फिर सुनता है तो इस उम्मीद के साथ कि वो जो हल बताएगा उसे मान लिया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक फिलहाल 18% भारतीय डिप्रेशन का शिकार हैं। भारत में 3.1 करोड़ लोगों पर मात्र एक मानसिक स्वास्थ्य का अस्पताल है। देश भर में फिलहाल कुल 43 मेंटल हॉस्पिटल हैं, इनमें भी कई अभी पूरी तरह से कार्यरत नहीं है। वही साइंस मेडिकल जर्नल
लेसेंट के 2016 की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में मानसिक स्वास्थ्य की बीमारी से ग्रसित 10 लोगों में से मात्र एक को डॉक्टर की सलाह मिल पाती है। इसके बावजूद क्यों कभी समाज के प्रेशर पर बात नहीं होती जो चाहे अनचाहे लोगों पर बनाया जाता है? सफल होने का दबाव और दायरा क्यों नहीं बनाया जाता? क्यों लोगों पर जबरदस्ती चीजें थोपी जाती है? क्या ये सब उस आत्महत्या के पीछे के कारण नहीं है या सोचने लायक बात है? आत्महत्या बिल्कुल किसी चीज का हल नहीं है। कोशिश होनी चाहिए कि इससे बचा जाए, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इसलिए क्योंकि इस बार डिप्रेशन, नाउम्मीदी, समाज का प्रेशर और भी तमाम चीजें जिन्हें सिर्फ महसूस किया जा सकता है वो लोगों को अंदर तक तोड़ देती है। उन्हें बिना जज किए सुनने वाला कोई नहीं मिलता। समस्या सुनने से पहले सब हल बताने वाले मिलते हैं। कोई भोज के गले लगाने वाला भी नहीं मिलता जो लाख बात बोलने से ज्यादा सुकून दे देती है। कोई डिप्रेशन को डिप्रेशन समझने वाला ही नहीं मिलता। सुशांत बीते कुछ समय से डिप्रेशन में थे। यह भी एक अजीब बात है कि अपनी आखिरी फिल्म छिछोरे में निभाए गए रोल से सुशांत ने दुनिया को समझाया कि सुसाइड नहीं करना चाहिए, लेकिन शायद चमकती दुनिया में निभाए गए किरदार और व्यक्ति के निजी जीवन के बीच का फर्क बहुत बड़ा और गहरा होता है। किसी फिल्म के किरदार के डायलॉग को निजी जीवन में अपनाना भी शायद उतना ही मुश्किल होता है। लाइट कैमरा एक्शन की चमकती रोशनी के बीच के अंधेरे की एक अलग कहानी है, जहां इंसान सब कुछ पाकर भी खुद अकेला होता है और शायद फॉलोवर्स और फैंस की भीड़ में उस अकेलेपन को महसूस करने के लिए कोई नहीं होता। ऐसी कई कहानियां हैं जब कई फिल्मी और टीवी के सितारे ऐसे ही अचानक सब छोड़कर चले गए। गुरुदत्त, प्यासा, कागज के फूल और साहिब बीबी गुलाम जैसी बेहतरीन फिल्म करने वाले गुरुदत्त 1950 के दशक में लोकप्रिय हिंदी सिनेमा के संदर्भ में कलात्मक फिल्में बनाने के लिए सबसे प्रसिद्ध थे। 10 अक्टूबर 1964 को बॉम्बे के एक पेडर रोड में अपने किराए के अपार्टमेंट में 39 साल के दत्त को उनके बिस्तर पर मृत पाया गया। उनके बारे में कहा जाता है कि वह शराब में नींद की गोलियां मिलाते थे। उन्होंने उससे पहले 2 बार सुसाइड अटेम्प्ट भी किया था। सिल्क स्मिता, 17 साल के फिल्मी करियर में स्मिता ने लगभग 450 फिल्मों में काम किया था। मलयालम, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और हिंदी भाषा में अपने अभिनय से लोगों का दिल जीतने वाली स्मिता 23 सितंबर 1996 को चेन्नई में अपने अपार्टमेंट में मृत पाई गई। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। उनकी मौत के पीछे का कारण अब तक एक रहस्य बना हुआ है। उनकी मौत के कुछ महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया कि स्मिता की आत्महत्या एक साड़ी से पंखे से लटक कर हुई थी और उसके शरीर में भारी मात्रा में शराब पाई गई थी। प्रतीक्षा बनर्जी, भारतीय टेलीविजन अभिनेत्री प्रतीक्षा के टेलीविजन और रियलिटी शो में दिखाई दी थी। बालिका वधू की आनंदी को 1 अप्रैल 2016 उनके मुंबई अपार्टमेंट में फांसी पर लटका हुआ पाया गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार उनकी मौत का कारण एस्पेक्सिया था। जिया खान, जिया ने 2007 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से बॉलीवुड में अपनी शुरुआत की। उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया। 2008 की आमिर खान की फिल्म गजनी में भी काम किया। वह जून 3, 2013 को मुंबई में अपने जुहू निवास में फंदे से लटकी पाई गई थी। उनकी आत्महत्या की बड़े पैमाने पर CBI जांच भी हुई थी। समाज और सरकार को मानसिक बीमारी के मुद्दे को समझना, महसूस करना और पहचानना होगा। साथ ही इस पर विचार करना भी जरूरी हो गया है। जिंदगी भर भागते मत रहिए। जो आपसे आपके पास है उसके महत्व को समझकर खुश रहने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इतिहास हमें बता रहा है कि चमकती दुनिया के पीछे भी अंधेरा है। यदि आप खुश नहीं है और भीड़ में भी आप अकेले हैं, अगर आप मानव स्पर्श और संबंध को नहीं समझते तो उसे महसूस कीजिए। किसी से ऐसे चले जाने के बाद भी उससे ये उम्मीद लगाए रखना कि उसे नहीं जाना चाहिए था, उससे ज्यादा जरूरी हो जाता है कि एक बार समाज की तरफ, अपनी तरफ हम सबको मुड़कर देखना चाहिए। हम कितने लोगों को सुनते हैं, कितने लोगों के लिए जनरल कमेंट पास कर देते हैं कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या मिल गया ऐसा करके, फला फला वगैरह। अपनी तरफ आने वाले सवालों से बचने के लिए जाने वाले ही दोषी बता देने से बचना होगा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर जागरूक और गंभीर होना होगा।
इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप P3 न्यूज के साथ बने रहें, हमारे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज को फॉलो करते रहें, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।